faculty members of LR Group of Institutes, dear students. So first of all, I welcome you all to this session of communication personality development, that is to say induction session. Thank you very much. क्योंकि जैसे induction meet है आपकी और साथ ही साथ communication skill पे seminar सा हो रहा है, workshop हो रही है, ऐसा तो नहीं मैं कहूँगा कि एक घंटा आधा घंटा session join करके आप you will learn communication skill or whatever. फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जो हमने 15 साल में सीखा है वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे. निशांत सर थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कितना इम्पॉर्टेंट है स्किल्स होना. साथियों कहना ना होगा कि जब हम देखते हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अक्रॉस द कंट्री, आई थिंक एवरी ईयर काफ़ी ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं, तो आंकड़े जब हम देखते हैं तो नेचुरली एम्प्लॉयबिलिटी की कमी रहती है. 2023 में सर्वे हुए थे तो एक गेट एग्जामिनेशन होती हैं, तो अगर हमारे साल में 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट हैं तो उनमें से 3-4 लाख या 5 लाख के आसपास ही उस एग्ज़ाम को देने के लिए स्वयं को कॉन्फिडेंट समझते हैं. तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं स्किल्स की कमी रही होगी, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयबिलिटी की जो कमी रहती है. हाथ खड़े कीजिए प्लीज़ जिनको लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कर रही है. लगभग सभी होंगे शायद. तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा साथियों कि आप स्वयं से जुड़ें. स्वयं से जुड़ने का मतलब है आप तीन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना, हम अक्सर कहते हैं वो है टाइम, एनर्जी एंड अटेंशन, यानी समय, ऊर्जा और ध्यान. ध्यान का मतलब है अगर आप कंफर्टेबल है तो मैं चाहूँगा कि आप एक मिनट के लिए आप ज़रूर अभी सुन लें, फिर उसके बाद ध्यान करें. ध्यान का मतलब है कि एकाग्रता, अर्थात आपको यहाँ रहना है, प्रेजेंट में रहना है. पास्ट में जो हुआ होने दो, फ्यूचर में होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी आपने यहाँ रहना है. तो साथियों जब भी कभी हमारा इस तरह का वर्कशॉप होता है या सेमिनार होता है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि आपने एक चीज़ ज़रूर यहाँ से सीख के ले जानी है, आप जानते तो भी करनी है, वो है ध्यान. दैट इज टू से इनहेल, रिटेन, एक्सहेल एंड रिलैक्स. आप में से कभी आपको लगा है कि दबाव सा पड़ रहा है, टेंशन सी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन सी है, कभी भी देखना आपने जब आप लंबी सांसें लोगे, यू विल बी एनर्जाइज विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी. ज़्यादा गहरे जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अगर अपने दिमाग को दुरुस्त करना चाहते हैं साथियों तो आप क्या करें, आप इनहेल एक्सहेल यानी लंबी लंबी सांसें लेने की आदत डाल दें. आपको पता है साइंस कहती है कि हमारा शरीर मुख्यतः 4 तत्वों से बना होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन. ऑक्सीजन की हिस्सेदारी 61% है और हाइड्रोजन की 10% है और कार्बन की 22-23% है, नाइट्रोजन की 2-3% है. तो आप बताओ कि 61% ऑक्सीजन जब हमारे लेवल का सही होगा, यानी जब हमारा सेल यहाँ ब्रेन में ऑक्सीजन शुद्ध हवा जाएगी तो स्वतः ही आप अच्छे वक्ता भी बनेंगे, कम्युनिकेटर भी बनेंगे, आपको पढ़ना भी आएगा, यानी आप स्वयं को जानने की यात्रा में आगे बढ़ेंगे. सो डू यू एग्री दैट ईच ऑफ यू शुड क्लोज आईज एंड डू ब्रीदिंग, लंबी सांसें लेनी चाहिए. अगर आप एग्री करते नहीं तो मैं आगे चलूंगा. यस सर, नो सर, यस सर. तो मैं चाहूंगा कि एक मिनट के लिए आप जरूर आंखें बंद करें और ध्यान एकाग्रित करें. यहां रहना है यानी प्रेजेंट में आना है, कॉन्शियसनेस को अपनी यहां लाना है. तो मैं भी आपके साथ करूंगा, जस्ट 1 मिनट विल डू. अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, फिजिकली फिट है, तो आपका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा होने वाला है. तो सबसे पहले क्या काम करना है आपने, अपना ध्यान रखना है. निशांत सर कहीं भी हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि पर्यावरण से नहीं जुड़ना है, ना शिक्षा क्रांति से जुड़ना है, ना समाज सेवा से जुड़ना है, साथियों स्वयं से जुड़ना है. जिस दिन आप स्वयं से जुड़ जाएंगे, समझना कि आप समाज से स्वतः ही जुड़ जाएंगे, आप पर्यावरण से स्वतः ही जुड़ जाएंगे, आप अपने करियर से स्वतः ही जुड़ जाएंगे. क्योंकि जो अच्छी बातें होती हैं, जब मनुष्य अच्छी बातों से जुड़ता है तो अच्छाई सबसे पहले उनका ही भला करती है. क्या आप उन बातों को कनेक्ट कर पा रहे पूरी तरह से? 60%, 70%, 80%, 100%, 100%.
तो आपको लगता है कि नहीं ये उम्र कुछ थोड़ी मौज मस्ती की भी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हमारी युवा शक्ति खर्च हो रही है उन बातों में जिनकी ओर अभी ध्यान नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो बड़े होश से होना चाहिए, क्योंकि साथियों अगर कोई भी चीज़ है अगर होश नहीं है ना, प्रेम में प्यार में मौज में मस्ती में अगर होश नहीं है तो दोष आएंगे, और ऐसे दोष आएंगे जिंदगी भर पछताओगे। आप सहमत हैं? क्या बोले, एक दो शब्द बोलो कुछ। सर आजकल सभी को लगता है कि बीएफ जीए बनाना बुरी बात है, बट मेरे को लगता है कि अगर इस टाइम किसी की बन जाए तो उसको सीरियस लेना चाहिए और समझना चाहिए, लाइफ टाइम सीरियस लेना चाहिए कि भाई समझ गया भाई ये ही याद लाइफ टाइम के लिए, और यहाँ मुंह भी नहीं मारना चाहिए। और नहीं सर कहीं तो होता है एक के साथ बात करना दूसरे के साथ भी करना। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों में। बहुत बढ़िया। प्यारे साथियों, शिक्षा क्रांति मंच पर हम तीन सामाजिक गतिविधियां करते हैं, उनमें से पहली सफाई अभियान, दूसरा वृक्षारोपण और तीसरा संवाद। संवाद का मतलब है जिसमें छूट हो, स्वतंत्रता हो अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की। आर्यन ने कितनी बेबाकी से अपने भीतर के उद्गार रखे, वाह, ही डिजर्व्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। I am currently living in Solan for my further studies in B.Tech. That's all. Good afternoon, everyone. My name is Khushi and I come from Subatu. At present, I am pursuing B.Tech in CSE from LRAT, Solan. My hobbies are singing, dancing. आपने कहा कि मतलब हम लोगों को environment clean रखना चाहिए और अपने घर से start करना चाहिए, मतलब clean करने के लिए। Good morning everyone, my name is Priyanka Sharma and I am from district Sirmaur. Here I am pursuing B.Tech in computer science. Sir, आपने बोला कि हमें सबसे पहले खुद से जुड़ना है और जब हम खुद से जुड़ जाएंगे तो हम बाकी अपने environment से और बाकी चीज़ों से खुद ही जुड़ जाएंगे। शाबाश, गुड। गुड आफ्टरनून एवरीबडी, आई एम सेकेंड ईयर स्टूडेंट, आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। आई हैव डन माई पॉलीटेक्निक फ्राम गवर्नमेंट हमीरपुर, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक हमीरपुर, एंड आई एम परसुइंग माई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दैट्स ऑल। सर जो आपने बताया उसमें सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि जो भी आपने सैंड स्टोन्स वगैरह का उसके बारे में बताया तो उससे हम अपनी लाइफ को रिलेट कर सकते हैं, मतलब जैसे कि हमने लाइफ में क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या प्राथमिकता देनी है, प्रायोरिटाइज करना है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ तरुण कुमार, आई एम फ्रॉम सोलन एंड आई एम परसुइंग बीटेक कंप्यूटर साइंस इन एलआर ग्रुप टेक्नोलॉजी। और मैंने वहाँ कनेक्ट किया कि आप पढ़ाई के साथ साथ मज़े भी करने चाहिए, पढ़ाई भी करनी चाहिए, सब बाकी सब चीज़ें भी करती रहनी चाहिए और पढ़ाई वगैरह भी साथ साथ चलती रहना चाहिए सब कुछ। माय नेम इज़ नेहा एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मंडी एंड आई एम सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आई एम परस्यूइंग बीटेक इन सीएससी एंड माय हॉबीज आर प्लेइंग वॉलीबॉल एंड बैडमिंटन। शाबाश, कहाँ कनेक्ट कर पाए आप? सर लास्ट में जो आपने एक बोला था कि एजुकेशन इज ऑल अबाउट वैल्यूज एंड स्किल्स, स्किल्स मेक अस अर्निंग बींग्स एंड वैल्यूज मेक अस ह्यूमन बींग्स। क्या बात है, क्लैपिंग, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम इकरार ठाकुर है और मैं रामपुर शहर से बिलोंग करता हूँ और जो मेरी स्कूलिंग हुई है वो गवर्नमेंट बॉयज स्कूल रामपुर शहर से हुई है और उसके बाद मैंने अपनी पॉलीटेक्निक करी है गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक पोर्टल साइड से और मैं अपनी डिग्री परसिंग कर रहा हूँ यहाँ से इलेक्ट्रिकल से। और मेरी हॉबीज है प्लेइंग वॉलीबॉल, स्टिंग सॉन्ग्स और मेरा जो एम है वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनना है। मैंने आज के जो इस लेक्चर से ये समझा है कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं ना, हमें जो हमारे को अच्छा लगे, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोग बी टेक कर रहे हो तो आप लोग को मतलब इसी फील्ड में जाना है, आप लोग आगे जाके जो हमारे को मतलब अच्छा लगे, मतलब एक अच्छा इंसान बनाए, हमें वो करना चाहिए। जैसा सर ने बोला कि हमारे को हमारे से अपने मतलब से मतलब जो हमारे को अच्छा बनाए वो रखें। As per sir, it was an interactive session. I think आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये session. और जहाँ तक मुझे अभी लगा कि सर ने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं वो आप better
चाहता हूँ आपको एक दिन बाहर की स्वच्छता के बारे में, हम इनके माइंड को स्वच्छ करने की कोशिश कर रहे हैं सर। कंटिन्यूसली 6 महीने वैसा कुछ पढ़ाया जाता है, पिता की कपड़ा, जब तक माइंड अपना दिमाग इनका कचरा बाहर नहीं जाएगा तब तक ये बात की स्वच्छता पर ध्यान नहीं देगी। इससे हाँ जी सर, उसी पर हम काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, बहुत सारे लोग घूमना पसंद करते हैं आज की डेट में, ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं। सर मैं मतलब हम कहीं भी जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कहीं भी जाते हैं, वहाँ जिस जगह पे जाते हैं उस जगह को गंदा लग गया था, सर आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। दो प्रश्न और एक प्रश्न मिलते जुलते हैं, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा साथियों, सफाई कभी लड़ाई से हासिल नहीं होती है कि हो सकती है, इसीलिए जब भी कभी आप ट्रैवल करें, इनका भी एक प्रश्न था, इनका भी आपको एक प्रश्न था, जब भी कभी आप ट्रैवल करें सफाई का ध्यान तो रख ही रखें, लेकिन जो लोग सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं अर्थात खुले में कचरा पड़ा है, उनसे ऐसा ना करने का भी आग्रह जरूर करें, आप सहमत है कि नहीं? और ये इतनी कारगर सिर्फ टेक्निक होगी लेकिन लड़ाई नहीं करनी है, लड़ाई से कभी सफाई हासिल नहीं हो सकती। आपका प्रश्न का उत्तर था, उत्तर है कि आपने पूछा कि हम जनता को कैसे जगा सकते हैं, जनता को हम तभी जगा सकते हैं जैसा सर ने भी कहा, मैंने भी कहा कि अगर हम इसकी शुरुआत स्वयं से करें, यानी जागरूक हो। जब भी आप पब्लिक प्लेसेस में जाएंगे तो अगर किसी को भी कुछ भी खुले में कचरा फेंकते हुए देखते हैं तो आप उनसे ऐसा ना करने का आग्रह करें, क्योंकि साथ में बहुत जरूरी है और बहुत कठिन होता है, रोक दो कर अगर खतरा नहीं हो। अर्ज है पीछे, अर्ज है रोक दो अगर गलत चले गए, अगर कोई आदमी गलत चल रहा है कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए, लेकिन बड़ा कठिन काम है। रोक दो कर गलत चले कोई, बख्श दो अगर खता करे कोई, कठिन यह काम है। सर ने बताया कि यू शुड बी लॉयल टू वर्ड्स एक 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 इंसान के लिए, वो एक कॉमन पॉइंट था जो जहाँ पर मैंने भी कनेक्ट करा, मेरे ख्याल आप सब ने भी करा। सर ने जो कहा कि हमें अपने पर्यावरण के आसपास मतलब अपने आप को समझना है, अपने मतलब अपने आप को अपने आप इम्प्रूव करना है, अपने अंदर मतलब जो ख्याल होता है अपने दिमाग पर जो रखना है, और हमें आसपास पर्यावरण के ऊपर भी साफ सफाई का ध्यान रखना है। तो हम कोई भी ऐसा मैसेज दे सकते हैं सोशल मीडिया पे, अगर हम कॉन्फिडेंट हैं और अगर हमारे पास मतलब सफिशिएंट नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, तो ही हम किसी चीज़ को किसी के सामने बोल सकते हैं, बेसिकली मुझे ये लगता है ना। कोई भी चीज़ हम तभी बोल पाएंगे अगर हमें खुद पहले क्लैरिटी होगी, खुद नॉलेज होगी, और फिर हम अपने वर्ड्स को अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने किसी भी वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बेसिकली मेरा ये मानना है। थैंक यू मैम। हेलो डियर, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज हर्ष कौशल। हर्ष, आपको कैसे लग रहा है हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं? सर फीलिंग वेरी गुड, वेरी नाइस, एंड ऑब्वियसली यू आर हियर, वी आर एंजॉयिंग योर सेशन, वेरी फीलिंग लाइक ऑसम। गुड, डू यू हैव फ्रेंड हियर? यस सर। व्हाट इज हिज नेम, हर नेम? नंदनी। प्लीज नंदनी, हाय, कैसा लगा आपको सेशन? अच्छा था, इट वॉज गुड, बहुत कुछ सीखने को मिला। आई लाइक 2-3 थिंग्स विच आई थिंक आई विल वर्क ऑन देम इन फ्यूचर। तो क्या पसंद आया? मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, लाइक सर ने बहुत अच्छे से हमें बताया कि आप लोग कम्युनिकेशन पे कैसे, सर ने बहुत सारे पॉइंट्स उठाए उसमें, लाइक देयर इज अ पॉइंट अबाउट लव, सर ने लव के बारे में बताया हमें कि क्या क्या आप लोग क्या क्या ऐड कर सकते हो, और हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, देयर आर मैनी थिंग्स। और बेसिकली जो सर ने हमें पर्यावरण के बारे में बताया कि कहीं भी आप लोग जा रहे हो, मैं खुद कहीं घूमने गया था तो उधर भी मैं गया, मैं अपने भाई के साथ गया था एक्चुअली में, तो उधर से हमने बहुत सारा कूड़ा कचरा ऊपर से उठा के हम सारा नीचे लेके आए, क्योंकि उधर थोड़ा। आई एम विजेंद्र ठाकुर, आई एम फ्रॉम रूडू डिस्ट्रिक्ट शिमला, आई हैव डन डिप्लोमा बीटेक एंड एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आई एम अपॉइंटेड हियर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन एलआर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आई एम सर्विंग हियर एज लास्ट 8 years as a teaching experience and 1 year field experience at Sawalat Kutu Hydroelectric Project, which is situated on Babbar River at Rodu Hatkoti.
Thank you, sir, for giving me this opportunity to speak in front of the students. और सर ने कुछ ज़्यादा तारीफ कर दी. Actually, my name is Jason and I am from District Bilaspur. Currently, I am pursuing my communication skill from Sachin School of Languages. Even I am also a designer, editor, or I am a small volunteer of Shiksha Kranti NGO. And as sir said, I handle all this technical stuff in NGO. I think जब मैं शुरुआत की स्कूल में नहीं तो पता है सब चीज़ों के बारे में, बट मैं सर के साथ जुड़ा था, सो मैनी थिंग्स जो मेरे को पता चली है. आई एम नाउ लाइक इन दिस पोजिशन टू हैंडल ऑल दिस स्टफ. एंड सर आई वॉन्ट टू से थैंक यू वन मोर टाइम टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू मी स्पीकिंग फ्रंट ऑफ दिस स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच सर, जो आपने इतना अपना कीमती टाइम निकाला तो आपसे बात होती है, इतनी आपने बताया कि एक टाइम फिक्स कर लूँ कि मेरे पास शेड्यूल बहुत बिजी है. बच्चों ने बहुत कुछ सीखा. सीखा तो मैंने सेशन, और अगर आप लोग सर के साथ जुड़ते हो तो डेफिनेटली आप लोग ग्रो करोगे, क्योंकि मैं सर के साथ 3 साल से हूँ और मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी है और बहुत सी चीज़ें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी की है. ठीक है, और सर ने जैसे आप लोगों को बताया कि कॉम्युनिकेशन कैसा मैटर, कि आप लोग किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो, एक मैटर करता है कि आप लोग कैसे बात कर रहे हो, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो. आप जो बात बोल रहे हो सामने वाले को समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, राइट? ठीक है, तो मजा है सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए. और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर ने अपनी पूरी लाइफ इसी चीज पे दे दी. सर अपना जितना भी टाइम होता है सर का एक स्पाई के लिए, दूसरा बच्चों के करियर के लिए, काफी कम लोग इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं. और जो भी आजकल के टाइम में ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई पर्सन अपनी लाइफ बच्चों के नाम कर रहा है, समाज के नाम कर रहा है, तो उसके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए.